लुक एट माय हैंड टू हैंड की विच कलर? दो लड़की आ जाए, नाम क्या है आपका? काजल कैसे? शिवांगी पांडे। नमस्कार दोस्तों, आज है 25 दिसंबर और आज क्रिसमस डे के अवसर पर हम आ गए हैं कैंटोनमेंट वाले एरिया में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है और करीब शाम का अभी 6 बज रहा है और आप देख सकते हैं इस वाले चौराहे पे हम हैं। यहाँ से जो सीधा रास्ता है वो कचहरी की तरफ चला जाता है और सामने वाला रास्ता चौका घाट से आ रहा है और यहीं बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, इसके आगे जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है। आइए आपको चर्च में लेकर के चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा आज मज़ा आने वाला है। अंदर आपको दिखाएंगे ले चल के किस प्रकार से क्रिसमस दिवस मनाया जाता है। और बनारस में सबसे बड़ा जो चर्च है वो यही है, कैंटोनमेंट एरिया में नदेसर में इस चर्च को दिखाते हैं। और दोस्तों इस चर्च में जादू वगैरह भी दिखाया जा रहा है तो अभी आपको हम ज़रूर दिखाएँगे। इस बार तो यहाँ पर सर्कस वगैरह भी लगे थे, बड़े बड़े झूले लगे थे, लेकिन इस बार इस प्रकार के कोई झूले नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम अंदर देखते हैं, अंदर हो सकता है कुछ दिखाई दे, कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ें हों। और यहाँ पर देखिए संता की टोपियाँ बेच रहे हैं और यहाँ से गेट बना हुआ है दोस्तों, एक अंदर जाने के लिए और एक बाहर आने के लिए। तो अंदर एंट्री कर लेते हैं, फिलहाल अभी भीड़ बहुत ही कम है, जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा एक दो घंटे में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है। डेफिनेटली यहाँ पर इतना भीड़ हो जाती है कि समझिए कि आना जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है लोगों का। खैर अभी सामने देख सकते हैं चर्च का ये मेन गेट है और यहाँ से अंदर और बाहर जाने के लिए रास्ते बनाए गए हैं। तो कुछ लोग आ रहे हैं अंदर से और जो लोग जा रहे हैं उनमें हम खड़े हैं कतार में और अंदर चल के आपको दिखाते हैं। कई जगह सेल्फी पॉइंट वगैरह भी बनाया गया है। आपसे गुजारिश है कि आप ना बैठे, आप ऐसे ही समय ना गवाए। आप जो भी यहाँ पर गेट से अंदर जाने पर आप देख सकते हैं दाहिने साइड हैप्पी न्यू ईयर 2024 यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और यहाँ लोग सेल्फी ले रहे हैं आकर के। चलिए पूरा चर्च आपको घूम करके अंदर से दिखाते हैं, बहुत ही बड़ा चर्च है 2024 और जादू भी आपको जरूर दिखाएंगे यहाँ पर। दोस्तों चर्च में अंदर जाने के लिए आपको चप्पल जूते निकाल करके बाहर लाइन में लगना पड़ता है। अब देखिए लाइन लगी हुई है और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ये लाइन भी और बड़ी होती जाएगी और लोग फिर अंदर जाएंगे। ये देखिए ये चर्च के अंदर का सीन है, अंदर काफ़ी स्पेस है तो आपको पूरा दिखाएंगे। फिलहाल ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में, बनारस कैंटोनमेंट एरिया है, नदेसर का यह चर्च है। और दोस्तों यह मेला जो है कि 3 दिन तक लगातार लगा रहेगा, 3 दिनों तक लोग आते जाते रहेंगे। तो आप अगर ये वीडियो 26 को भी देख रहे हैं, 27 को भी देख रहे हैं तभी भी आ सकते हैं, 28 को भी आप देख रहे हैं तभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। आइए दोस्तों पिछले वाले इलाके में चलते हैं आपको लेकर के। बस होगा यहाँ पर जितनी भी जनता है उसमें से 90% हिंदू हैं और उसमें से कह सकते हैं कि 80% हिंदू कह सकते हैं, 10% मुस्लिम भी है और बाकी के जो 10% हैं वो ईसाई हैं। ठीक है तो आइए आपको अंदर लेकर के चलते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पर कैंडल वगैरह जलाया जाता है तो उस चीज़ को भी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल आप देख रहे हैं इस प्रकार के नज़ारे चर्च में 25 दिसंबर मैरी क्रिसमस के इस अवसर पर। देखिए यहाँ पर लोग कैंडल जला रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना की जाती है, जी हाँ यहाँ पर जो यहाँ के चर्च में जो लोग होते हैं वो प्रार्थना करते हैं आपके लिए, प्रार्थना मीन्स की प्रेयर। ठीक है
जैसे हिंदू धर्म में हम लोग मंत्र वगैरह पढ़ते हैं वैसे वो लोग भी अपना कुछ कहते हैं। तो आइए इस वाले इलाके में ना, इस वाले एरिया में पीछे की साइड में एक जगह सिंगिंग हो रहा है, चलिए उस प्रोग्राम को आपको दिखा रहे हैं, लोग गाना गा रहे हैं वहाँ पे। अभी यहाँ पर सिंगिंग हो रहा है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर मैजिक भी दिखाया जाएगा, तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आइए थोड़ा इस वाले एरिया में देखते हैं, थोड़ा सजाया गया है, कैसा लग रहा है यहाँ पर, और उसके बाद आपको जादू दिखाया जाएगा और जादू ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ये देखिए, जादू देखने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए अब आपके जादू हवाले करते हैं, एक तरफ से एक बार हमारी तरफ से हर हर महादेव, ठीक है। चलिए अब देखिए, धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है ना, आइए आपको जादू वाला शो दिखाते हैं और उसके बाद आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेड रेड इज लव कलर, सो नाउ रेडी, 1 2 3 आपको बोलने, मेरे साथ बोलेंगे 1 2 3 क्या बोलना है, ओके एवरीवन, 1 जोर से लाउड, 1 2 3 मजा नहीं आ रहा, जोर से 1 2 3 3 यस। हर मैजिशियन के पास एक जादू की छड़ी होती है, मेरे पास नहीं थी, मैंने भी मंगाई है, और जादू की छड़ी से होगा मॉडर्न मैजिक। दो लड़की आ जाए, हाँ अभी नहीं, आप लड़कियों छोटे बच्चों को नहीं आना है, जिन्हें सीजर चलाना आता हो कैंची चलाएंगे, आ जाइए आइए, कम फास्ट जल्दी आइए, जिन्हें कैंची चलाना आता हो आइए, हाँ जाने आने के लिए रास्ता दे दीजिए, आ बेटा जल्दी आओ, और कोई, हाँ स्टेज के ऊपर आ जाइए आप लोग। आंटी जी एक फोटो खींच लीजिए, योर गुड नेम क्या, नाम क्या है आपका? काजल केसरी। काजल केसरी, शिवांगी पांडे। शिवांगी पांडे, तो चलिए आप लोगों के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग मैजिक करने वाला हूँ, और आप लोगों को पता है जादू क्या होता है? नहीं नहीं पता है, नो आइडिया। ये सिर्फ हाथ की सफाई होती है, हाँ जिस प्रकार से हम लोग दांत की सफाई करते हैं उसी प्रकार से हाथ की सफाई होती है। तो जी हाँ, आपका भी तो हाथ बहुत साफ है, क्लीन है, वाइट, अभी हमारा देखिए कितना गंदा है कि नहीं, लेकिन आपका तो बहुत साफ है, तो आप सफाई क्यों नहीं करते? जी हाँ, मैजिक वाली ट्रिक, और ध्यान से देखेंगे, रोप ट्रिक, रस्सी का जादू। इस कॉर्नर में आप पकड़िए, ये बताइए आपको सीजर चलाना आता है? हाँ आता है। वेरी गुड, पहले इसको खींच करके देखिए, स्ट्रांग है, मजबूत है, खींचिए, काफी मजबूत है, खींचने से टूटेगा तो क्या, टूटेगा नहीं, स्ट्रेचेबल तो नहीं है, खींचने से छोटा या बड़ा तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ये बताइए सीजर आप चला लेते हैं? कितने साल से सीजर चला रहे हैं? काफी टाइम से। फिर भी कितने साल से? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स से ये सीजर चला रहे हैं, एक लंबी एक्सपीरियंस है आपके लिए, इनके लिए क्लैप। और ये बताइए आप कहाँ चलाते हैं? ट्रेन में, बस में, मेले में, घर पे? घर पे कहाँ चलाते हैं सीजर, कहाँ आप चलाते हो? घर पे कि मतलब कि मार्केट में? घर पे ये सीजर चलाते हैं, और इनके डैडी बहुत परेशान हैं, सोचते हैं कि मैं मार्केट गया था, ऑफिस गया था, तो वहीं मेरा पॉकेट कट गया, पता नहीं कि बिटिया पॉकेट काट रही है।
तो इनके लिए क्लैपिंग, यहाँ से जाएंगे तो थोड़ा सतर्क रहें आप लोग। रोप को दोनों, हाँ दोनों कॉर्नर को नीचे में इक्वल रखेंगे, बराबर रखेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। आप ध्यान से देखेंगे मैजिक वनली ट्रिक, हाथों की सफाई चला कि ध्यान से देखेंगे तो आप लोग सीख जाएंगे। वहां पे सीजर उठा लीजिए, वेरी गुड। अभी यहाँ पे एक ब्लो करने का, फू मारना, फू ब्लो करिए, फूक मारिए, इधर आप फूक मार दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए, वेरी गुड। अभी आपने कितने बार सीजर चलाया? ओनली वन। इस कॉर्नर में पकड़िए, सीजर मेरे को दीजिए, ध्यान से आप लोग देखेंगे। सेकेंड कट मैं करूंगा, नंबर टू, नंबर थ्री, और ये नंबर फ्री 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 बोलूंगा। आपने कट डाबरा गिली गिली ज्वाइन, जुड़ जाओ भाई, जुड़ जाओ, जुड़ जाएगा, ज्वाइंट हो गया, ज्वाइंट कहीं पता चल रहा है, खींच के देखिए, स्ट्रांग है, मजबूत है, खींच के देखिए। और आप लोग क्लैपिंग करिए, आप लोग को भी सिखाई देंगे, छोड़ दीजिए। मिडिल में एक बार, मिडिल में एक बार फिर से पकड़िए, बीच में पकड़िए आप, छोड़ दीजिए। दोनों कॉर्नर को नीचे में इक्वल रखेंगे जी, आप सब ध्यान से देखेंगे, सीधे पकड़िए आप लोग। यार वन टू थ्री, यहाँ ब्लो करेंगे, फू मारिए, और यहाँ से एक बार कट करने का, यहाँ से एक बार कट कर दीजिए, वेरी गुड। इस कॉर्नर में आप पकड़िए, इस कॉर्नर में आप पकड़िए, देखेंगे हमारे पास एक फेविक्विक है, यहाँ से निकाल करके रोप के दोनों कॉर्नर में मैंने टच कर दिया, टच करने के बाद कुछ चिपका दूंगा, थोड़ा कम है, अच्छे से लगा दूंगा, ये चिपक जाएगा। और देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे यूँ पकड़ करके ऐसे ज्वाइन करना है, ऐसे ऐसे ये चिपका दूंगा, एक सेकेंड के लिए अंदर एयर नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, हवा जाएगा तो ये नहीं जुड़ेगा। बोलूंगा आपरे का डाबरा गिली गिली ज्वाइन, जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ, तो ये जुड़ जाएगा, खींच के देखिए, मजबूत है, ज्वाइन पता चल रहा है। चलिए फिर से देखिए एक बार, ध्यान से कान खोल करके आप लोग देखिए, नो मैजिक ओनली ट्रिक, ऐसे यूं पकड़ के यहां से एक बार कट लगा दीजिए,